क्या आप सबको पता है कि वैसलीन या पेट्रोलियम जेली हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होती है। वैसलीन ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ की जाती है। हमारे ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए वैसलीन के वैसे भी और बहुत सारे ऐसे यूजेज़ हैं। आज हम आपको वैसलीन पेट्रोलियम जेली के दो यूजिंग बताएंगे। एक यूज़ में वैसलीन पेट्रोलियम जेली का DIY मास्क बनाना बताऊँगी और दूसरा जो है मैं DIY नाइट क्रीम बनाना बताऊँगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसलीन पेट्रोलियम जेली आमतौर पर हम सब के घर पर मौजूद होती है, लेकिन इसे बिल्कुल एक मामूली सी आम क्रीम समझी जाती है। वीडियो में वैसलीन के दो यूनिक DIY रेमेडीज शेयर करेंगे, जिससे आपकी स्किन लाइट, टाइट, लिफ्ट एंड ब्राइट हो जाएगी। फेस मास्क बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली है और दूसरा हम अंडे का यूज़ करेंगे। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको देखने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना होगा। अभी मैंने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है और यहाँ पे इसका यूज़ मैं बताती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है यहाँ पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यहाँ पे जर्दी का यूज़ करेंगे मास्क बनाने के लिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप सफेदी यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही खास टिप्स है, इसे आपने हमेशा याद रखना ये वाला मास्क बनाते वक्त, और स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अंडा जो है ना हमारी स्किन को टाइट करती है, रिंकल्स फ्री करती है, और जो वैसलीन है ना वो हमारे जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करती है। एक छोटी प्याली मैंने ले लिया है, इस अंडे को इसी प्याली में तोड़कर मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसके सफ़ेदी को और सर्दी को अलग करना है। सफ़ेदी का यूज़ आप अपनी स्किन के हिसाब से करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यहाँ पर सर्दी का यूज़ करेंगे, और अगर ऑयली है तो फिर आप सर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर आपने सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी जो मैं ये मास्क तैयार करी हूँ अंडे की जर्दी से तैयार करूँगी, क्योंकि ये मास्क मैं अपने लिए बना रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से योग का और सफ़ेदी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने योग ले लिया है, मतलब कि अंडे की जर्दी ले ली है। और अब इस DIY का ना मेन इंग्रेडिएंट वैसलीन लेंगे। वैसलीन आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पेट्रोलियम जेली जिसे कहते हैं वो आप ले लें। एक चम्मच क्वांटिटीज में जाएगा, क्योंकि एक योग हमने लिया है तो एक चम्मच भरकर आपने वैसलीन का लेना है। और अब जो खास इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है इलायची पाउडर, जो हम सब रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं वो वाला मैंने लिया है। अगर आप फ्रेश फूड का इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इलायची हम इसलिए डालेंगे ना कि इससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो अंडे की जर्दी की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इलायची पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप चाह रहे थे तो इलायची को पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इलायची के बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या काम करता है। इलायची ना आपके रंग को ब्राइट करेगा, चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं ना उसे दूर करेगा, पिगमेंटेशन जो हो जाता है उसे भी रिमूव करेगा। इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने इतना मिक्स किया कि ये देखिए ये फोमी शक्ल में आ गया। ये बस अप्लाई के लिए अब बिल्कुल रेडी है। इसे आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप फेस पे अप्लाई करें, हैंड पे अप्लाई करें, या फिर नेक पे अप्लाई करें। मैं हैंड पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसका रिजल्ट भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। बहुत ही प्लम्पी ग्लोइंग स्किन हो जाती है, और आपकी टाइट स्किन इस तरह होगी कि कभी रिंकल्स पड़े ही नहीं थे। तो इस तरह ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ। इस DIY मास्क को ना अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसके रिमूव करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, और यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों ने देख लिया है और मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी ये DIY रेमेडी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है, नीम गर्म पानी मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे नीम गर्म पानी लेना है, आपने ठंडे पानी से इसे नहीं वॉश करना है। नीम गर्म पानी लिया, इसके साथ ही मैंने स्पंज भी ले लिया है जिससे मैं इसे क्लीन करूँगी। मास्क हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, इसे स्मूथ और नन किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक टोनर का यूज़ करना है। टोनर मैंने घर पे बनाया है। रोज़ वाटर पे मैंने सैफ्रॉन के धागे डाले हैं। चंद धागे डालने के बाद ये मैंने यूज़ किया है सैफ्रॉन टोनर, और ये मैं बनाकर रखती हूँ। आप लोग भी इसे बनाकर रखना, ये टोनर बहुत ही अच्छा होता है, गर्मियों में ये बहुत ही काम आता है। तो इसी टोनर का मैंने स्प्रे किया, उसके बाद ये थोड़ा सा नरम हो गया। हाथों से मैंने इसे मसाज किया, नरम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, स्पंज की मदद से आसानी से साफ़ हो जाएगा। और गर्म पानी आपने यूज़ करना है, यहाँ पर स्पंज जो आपने डिप करना है गर्म पानी में डिप करना है। और ये देखिए आप रिजल्ट देखें, कितनी स्मूथ हमारी स्किन हो गई है, मतलब इतना ग्लो करने लगा है। इंस्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो मास्क है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना। आप फर्क देख सकते हैं दोनों हाथों में, जिसमें मैंने अप्लाई किया था उसके उसका ग्लो चेक करें और दूसरे हाथ का ग्लो चेक करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो DIY रेमेडी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मास्क धोने के बाद और अच्छी तरह ड्राई करने के बाद लास्ट में ये टोनर का यूज़ करना है, स्प्रे करना है। अगर आपके पास ये वाला टोनर बना हुआ नहीं है तो आप कोई सभी अपने मनपसंद टोनर इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नाइट क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं, और नाइट क्रीम इसी वैसलीन से बनाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये नाइट क्रीम है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही आसान इन्ग्रीडियंट इसमें ऐड करूँगी।
महंगे से महंगे आप मार्केट जाकर ना नाइट क्रीम लाते हैं और से यूज़ करना पसंद करते हैं। ये बस ये चंद जो एसेंशियल ऑयल है ना, इसे आप परचेज़ कर लें और बार बार आप ये क्रीम बनाते जाएं और यूज़ करते जाएं, आपके महीनों चलेंगे। ये क्रीम बना बना कर आप यूज़ करेंगे, ये एसेंशियल ऑयल भी ख़त्म नहीं होगा और काफ़ी आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे इसके, और उसके साथ आपकी मनी सेविंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 चम्मच भरकर वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। आपके पास कोई से भी वैसलीन पेट्रोलियम जेली है वो ले लें। और ये जो नाइट क्रीम है ना, मैं पर्सनली खुद यूज़ की हूँ इसलिए आप लोगों से शेयर करिए, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली ले लिया है, आधी चम्मच मैंने ग्लिसरीन का लिया है, और ग्लिसरीन जो है आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। अभी मैंने लिया है पम्पकिन एसेंशियल ऑयल। पम्पकिन एसेंशियल ऑयल जो है ना, हमारे स्किन को बेदाग करेगा, रिंकल्स फ्री करेगा और स्किन के चमक को बरकरार रखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है ना 10 ड्रॉप यूज़ करना है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल है तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 ड्रॉप मैं एसेंशियल ऑयल का यूज़ करूँगी। अभी मैंने लिया है रोज़ एसेंशियल ऑयल। रोज़ एसेंशियल ऑयल आपके स्किन को चमकदार बनाएगा, नरम मुलायम करेगा और रिंकल्स फ्री करेगा। इसके भी हम 10 ड्रॉप ही इसमें डालेंगे। अब इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ऐड करूँगी जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट ऑयल है। इसके भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं अभी आप लोगों से बताती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑरेंज ऑयल ना एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और एंटी एजिंग में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है जब भी आप ये नाइट क्रीम बना रहे हो। अभी यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी मैं, यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 चम्मच इसमें बड़ा चम्मच भरकर डाल रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश डाल सकते हैं, बट अगर आप फ्रेश इसमें यूज़ करेंगे ना तो फिर आप इसे बनाकर 1 हफ्ते तक ही फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें यूज़ करें, आप अच्छा वाला यूज़ कर लें, तो 1 मंथ के लिए आप बनाकर इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, उसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग यहाँ पे आपने अच्छे से करनी है, इतना मिक्स करना है कि एक फॉमी शक्ल में बन जाएगा, मतलब एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो गया ना, स्मूथ क्रीमी। तो ये हमारी नाइट क्रीम बनकर हो गई है तैयार। मार्केट के महंगे महंगे नाइट क्रीम को आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये क्रीम है ना आपके पैसे भी बचाएंगे और रिजल्ट भी 100% आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली खुद यूज़ किया है और इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ। और अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, मौसम भी इस तरह का हो जाएगा ना, ये वाली क्रीम आप बनाएं और रात में लगाएं। रात में लगाने का तरीका ये कि अच्छे से सोप से आपने वॉश करना है, आप फेस वॉश यूज़ करते हैं फेस वॉश से वॉश कर लें, उसके बाद रात में आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, उसके बाद इसे लगाना है और मसाज करना है। मसाज करने के बाद ना ये जिल्द के अंदर जज्ब हो जाती है, जज्ब होने के बाद ही कोई चीज़ में ना अच्छा वर्क करता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर उसके बाद सुबह आपने किसी फेस वॉश या साबुन से वॉश कर लेना, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही प्लम्पी, ग्लोइंग, हेल्दी और रिंकल्स फ्री हो जाएगी। ज़रूर आपने इस क्रीम को बनाना है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। मौसम के मुताबिक मैंने आप लोगों को DIY रेमेडी बनाना बताया है, और वैसलीन तो हर घर में मौजूद होता है क्योंकि ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। ये जो है ना मॉइस्चर को लॉक करता है। तो ये वाली नाइट क्रीम यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।